दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं 9.3 का वाला सवाल। हमें दिया है कि इसमें दिया है कि 1 से लेकर 2001 तक की सभी विषम संख्या लिखनी है। जैसे हमारी विषम संख्या a प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इत्यादि मन 2.1 है, इसलिए हमें a हमें दिया है ये होता है। और d लिखाने के लिए d माइनस 1 करते हैं, इसलिए a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 माइनस 1 दिया है, d इक्वल टू 2 हो गया। अब हमें n वा पद लिखाने के लिए सूत्र लिखना होगा। सूत्र से tn इक्वल a प्लस an माइनस 1 इक्वल टू d, इसे हमें n वा पद लिखाना है। n वा पद a हमें दिया है 1 प्लस n हमें दिया नहीं है, तो n माइनस 1 d हमें दे दिया 2। जैसे हम डेट से सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 2, तो tn माइनस 2 माइनस 1, तो 1 प्लस 2n, और हमें n की वैल्यू दी है 2001, इसलिए यहाँ पर हम 2001 लगाएंगे। n की वैल्यू इक्वल 1 प्लस 2n, 2n हमारा साइड में गया, तो 2001 प्लस 1, 2n इक्वल टू 2002, n इक्वल टू 2000, तो हमें तो 2 गए तो 1001 आ गया। n की वैल्यू आ गया हमें 1001। अब हमें विषम संख्याओं के पूर्णांक का योगफल ज्ञात करना है, इसके लिए हमारे सूत्र होता है। सूत्र से एस एन इक्वल 1/2 टू ए एन माइनस 1 इक्वल टू डी। डेट सॉल्व एस एन इक्वल टू 1001/2 एन के लिए 1001 - 1/2 ये सॉल्व करेंगे। 1001/2 इसमें हमने बाल लिया 2 इंटू में 2 गया, इसमें अंदर बच्चे 1 इंटू 1001 - 1/1 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। एस एन इक्वल 1001 × 1001, तो एस एन की वैल्यू आ गई 1221, गुणा करने पर आंसर ये हो गया आपका आंसर।